ये बच्ची भी लगातार 2020 से तैयारी कर रही है तो ऐसे सक होने लगा था कि सरकारी नौकरी मिलती भी है क्या टेस्ट वेस्ट देने से नाम है भारती भाटी और ऐसे मानते हो कि पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं तो आप भी देखिएगा मैं तो मैं एचसीएम फाइनल मेरिट आउट हाँ। हुई उसके बाद फिर सीजीएल मेंस मैंने दो बार दिया दोनों हाँ। बार फाइनल हाँ। मेरिट आउट हुई हेलो बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग बच्चों आज एक और इंटरव्यू मैं आपके सामने लेकर के आया हूं नाम है भारती भाटी और इनका सिलेक्शन हुआ है सीपीओ के थ्रू सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर और जो बहुत शानदारी और बहुत मैं कहूँगा कि बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद जॉब मिलती है जैसे आप लोग कहते हो ना कई बार कि सर फाइनल मेरिट से रह जाते हैं बार बार मैं इस स्टेज पे चूक गया मैं उस स्टेज पे चूक गया ये बच्ची भी लगातार 2020 से तैयारी कर रही है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे बार बार रह जाती थी तो एक बार तो इसको भी जैसे मैं बात कर रहा था अभी तो ऐसे शक होने लगा था कि सरकारी नौकरी मिलती भी है क्या टेस्ट वेस्ट देने से तो मतलब उस तरह का भी एक बार फ्रस्ट्रेशन आ जाता होगा मैं भी मानता हूँ इस बात को तो हम इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने वाले हैं वो बच्चे जो लगातार असफल हो रहे हों और ऐसे मानते हों कि पता नहीं हमारा हो पाएगा या नहीं तो आप भी देखिएगा मैं चाहूँगा भारती कि आप शुरू से ये बात बताएं कि आपने तैयारी कैसे स्टार्ट की और कैसे आपको आर से जुड़े आप और कितनी आपने पढ़ाई की अब यहाँ तक पहुँचने के लिए वो सारी चीज़ें थोड़ा सा प्लीज़ भैया सबसे पहले तो ये था कि जब मैं 2020 में बीएससी कर रही थी दो हजार बीस में बी एस सी अपने तो फिर गैप आ गया था काफी नहीं पता था कि कब 2020 दो हजार बीस में उस बीच डीपी के फॉर्म आ गए कांस्टेबल के वो अगस्त दो हजार में आए थे तो भाई ने फिल कर दिया था कि तू ये कर ले कुछ भी ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता भाई तैयारी कर रहे थे उसको बस मतलब पता था वो तैयारी नहीं कर रहा अच्छा, था अंकित अच्छा, अच्छा। तो तो भाटी का बैच ले ले आपका आजाद बैच आया था तब हा, हा, हा। तो मैंने वो बैच परचेज किया था फिर उसको मैंने फॉलो किया लेकिन टाइम उतना नहीं था तो मैं सारा सब्जेक्ट नहीं कर पाई थी सिर्फ दो सब्जेक्ट मैंने आपसे पढ़े थे मैथ और तो रीजनिंग तो रीजनिंग पढ़े थे आपसे मैंने तो

चारो क्लियर हो गए ट्वेंटी ट्वेंटी टू अच्छा दो हजार बाईस वाला सीपीओ सीजीएल मीन सी सी एल चारों, चारों क्लियर हुए चारों क्लियर हुए है। उसके बाद फिर

तो वो मैंने बताया था कि टाइपिंग बहुत खतरनाक है तो आपने बहुत हाँ, मेहनत किया बहुत, टाइपिंग में काफी टाइम दिया था मैंने उसको हाँ 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 तो पर, पर अब जैसे सीजीएल वगैरह में टाइपिंग मांगते आ गए वो, 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 वो बहुत अब बहुत आसान टाइपिंग तक सीजीएल में तो मैं एचसीएम फाइनल मेरिट आउट हुई हाँ। उसके बाद फिर सीजीएल मेंस मैंने दो बार दिया दोनों बार फाइनल हाँ। मेरिट आउट हुई सीजीएल में भी हाँ एक बार मतलब मार्क्स अच्छे थे बट कंप्यूटर डिस्क्वालीफाई हो गया अच्छा कंप्यूटर कम्... डिस्क्वालीफाई हो गया तब तक शिवम सर नहीं आए थे तुम्हारे पिक्चर में तब तक नहीं वरना वो नहीं क्वालिफाई होने डिसक्वालीफाई हाँ, नहीं होने देते वो आपको नहीं वो तो बिल्कुल नहीं फिर मैंने नेक्स्ट टाइम उनसे पढ़ के दिया तो हाँ, मेरे 45 बने कंप्यूटर हां बट वो फिर वैसे स्कोर कम रह मेरा 60 में से 45 यानी 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही, सही कर दिए ये कमाल है शिवम सर के बाद 45 बने मेरे थे बहुत बढ़िया फिर वहां भी फाइनल में डाउट हुई फिर मतलब

हाँ। तो वो और अब फिर उसके बाद देखो अब कितने सारे ऐसा <laughs> तो मतलब कुछ नहीं होगा पता नहीं मतलब क्योंकि एक साल से लगातार लगे हुए थे उम्मीद भी लगने लगती है की जब सारी चीजें निकलती जा रही है

मात्र पाँच नंबर कम है तो ये दर्द जानती हैं लड़कियां कि भाई क्या होता है जब बिल्कुल अपने सपने वाली जॉब से चूकते हैं बार बार चांस भी नहीं मिलते हैं पर कोई बात नहीं देखिए सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर फाइनली आपको एक जॉब मिल गई जो एक प्रेशर था माइंड पर

बाप रे बताया बुक्स से भी बहुत पढ़ा बुक्स से मैंने बुक्स प्रेफर करी थी मतलब हाँ। वो कैब तो सारी सेल्फ ही होती है जी जी, और जी, जो सर सेट कराते थे, थे हाँ। उसमें से वो कैब जो थी वो मैं निकाल के लिख अच्छा। लेती थी तो वहाँ से लिख के फिर वो तो मतलब कि मतलब ये तो मैं भूलनी नहीं चाहिए बुक हाँ। का भूल जाए लेकिन ये जो उसमें आई है ये नहीं निकलनी चाहिए तो वो क्लियर था और

उतने अच्छे नहीं है हाँ, जितने तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स बच्चों के होते हैं प्री में थोड़ा मेरे से मतलब नहीं कर पाई थी नहीं थे, तो वही आप पांच ज्यादा होते प्री में तो, तो फिर आपका क्योंकि इंग्लिश में 182 बहुत अच्छा मार्क्स है क्योंकि मैंने देखे हैं टॉपर्स जो बच्चे हैं टॉप रैंक में जो 10 रैंक 12 रैंक 20 रैंक जो ये भी ला रहे हैं वो भी इंग्लिश में इतना ही कर रहे हैं है ना बस प्री का फर्क है आपका कल का हो गया था मेरे से हाँ। गड़बड़ हो गया था वो बोलते हैं ना नॉट माय डे चलो कोई बात नहीं, नहीं। हाँ ठीक तो है।, है।, है तो बहुत बढ़िया लगा भारती और मुझे लगता है कि बच्चों को काफी हेल्प होगी आपकी इन बातों से कि आपका आरडब्ल्यूए भी अब सीपीओ में कमाल कर रहा है कि भारती उसका उदाहरण है शुरू यहीं से किया था जी 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 सब कुछ मतलब बेस मेरा यही है पूरा आपकी मैथ और रीजनिंग मतलब हम अच्छा आप ऑफलाइन कभी कोचिंग कहीं पढ़ी हो नहीं, नहीं, नहीं ये देखिए मतलब घर बैठे बच्चों को सिलेक्शन मिल रहा है ना तो ऑनलाइन के मायने समझ में आ जाते हैं तो ऑनलाइन में एक तो बेस्ट एजुकेशन बच्चे तक घर बैठे पहुंच जाती है शायद भारती को अगर मुखर्जी नगर जाना पड़ता या कहीं ऐसी जगह जाना पड़ता और बड़े शहर तो शायद वो उतनी तैयारी नहीं, नहीं कर, कर पाती है ना क्योंकि वहाँ मम्मी के हाथ की रोटी <laughs> नहीं मिलेंगी वहाँ है ना? फिर भी एक, एक वजह से लड़कियाँ तो कर भी लेती हैं बाहर लड़कों के लिए बहुत और मुश्किल है बाहर रहना चलिए बहुत बहुत मुबारक भारती अब हमारी नहीं नहीं तरफ से